किसी व्यक्ति की माता प्राण छोड़ दे। बहुत सावधानी से सुनना, गौरी शंकर शिव पुराण है, सावधानी से और दिल लगाकर सुनना। मन अगर किसी बच्चे की माता प्राण छोड़कर चली जाती है, किसी का पिता प्राण छोड़कर चला जाता, उसका कोई है ही नहीं, तब उस जगह पर उसका भरण पोषण करने वाला कौन, उसको संभालने वाला कौन संभाले? भगवान देवदत्त महादेव माँ गोरा को इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मौन हो जाता है, चुप स्तुप हो गया, और शिवजी एकदम मौन हो गए, शंकर भगवान एकदम स्तुप्त हो गए। मौन होकर मेरे देवदत्त महादेव बैठ गए। कुछ क्षण के बाद भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा, पार्वती चलो मैं तुम्हें कैलाश पे से उतार कर आज काशी की यात्रा कराता हूं। पूरी भारत की भूमि पे शंकर जी के मंदिर में पार्वती जी मिलेंगे, पूरी भारत की भूमि पे। अपने कुरुत के जितने मंदिर हों शंकर जी के, उनमें जाके दर्शन करना, पार्वती जी उनके साथ आएंगे। धमतरी के जितने मंदिर हों, रायपुर के जितने मंदिर हों, भाटापारा के जितने मंदिर हों, कौकड़ी के जितने मंदिर हों, आसपास सुहेला आदि के जितने भी मंदिर हैं, आप उन्हें जाकर देखिएगा, शंकर जी के मंदिर में पार्वती जी। शिवजी माता पार्वती जी को काशी की यात्रा करा रहा, और काशी की यात्रा कराते कराते पार्वती जी ने क्या देखा कि यहां पार्वती के रूप में पार्वती शंकर के साथ नहीं। भारत की भूमि पर केवल एक स्थान ऐसा है जहां पर शंकर भगवान के साथ में पार्वती जी नहीं है, जहां पर शंकर भगवान के साथ अन्नपूर्णा माता विराजमान है, और वो काशी की पवित्र भूमि है। वहां पार्वती जी नहीं, वहां कौन बैठी है? जम के बोले जरा, अन्नपूर्णा माता, वहां अन्नपूर्णा माता विराजमान, अन्नपूर्णा माता, पार्वती जी नहीं बैठी। मां माता पार्वती जी का स्थान नहीं, अन्नपूर्णा का स्थान। पार्वती पूरे विश्व के मंदिर चली जाती, पूरी पृथ्वी पर भ्रमण कर, जितने मंदिर मिलेंगे उसमें तुम मेरे साथ में विराजमान, और केवल एक स्थान काशी जहां पर लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं। कौन सा नाथ है? विश्व, जहां मुझे लोग विश्वनाथ कहते हैं। केवल दुनिया में केवल एक मंदिर ऐसा है विश्वनाथ का जहां पार्वती नहीं अन्नपूर्णा बैठी है। उसका कारण केवल इतना सा है, पार्वती जब किसी के माता पिता परिवार कुटुंब नाते रिश्ते सब छोड़ देते हैं, तब भगवान शंकर कहते हैं जन्म पृथ्वी पर मैंने मनुष्य को दिया है। एक बच्चा भी जन्म लिया है तो मेरी मर्जी से हुआ, एक स्त्री ने जन्म लिया, एक पुरुष ने जन्म लिया, एक जानवर ने जन्म लिया, एक पशु ने जन्म लिया, जीव ने जन्म लिया, एक पशु ने जन्म लिया, पक्षी ने जन्म लिया, वो मेरे बल पर। तो भगवान शंकर कहते हैं मुझे लोग विश्वनाथ कहते हैं। विश्वनाथ का मतलब है कि विश्व में जन्म लेने वाला कोई अनाथ नहीं होता, उसका नाथ शंकर होता, उसका नाथ शिव होता, उसका नाथ उगड़ता नहीं होता। पार्वती यहां पर आप पार्वती बनकर नहीं बैठे, पार्वती आप यहां पर क्या बनकर बैठी हो? जम के बोलो जरा, अन्नपूर्णा। यहाँ पार्वती बनकर नहीं बैठी, आप यहाँ अन्नपूर्णा बनकर बैठी। अन्नपूर्णा का मतलब होता है कि संसार में मनुष्य भूखा उठता जरूर है, पर अन्नपूर्णा तू मेरे साथ विश्वनाथ के पास में बैठी है, इसलिए संसार का कोई मनुष्य भूखा सोता नहीं है। तो भूखा नहीं सोए, भूखा तू सो ही नहीं सकता। भूखा नहीं रह, तो भूखा सो ही नहीं सकता। कभी मौका मिले ना, एक काशी में दीपावली के दूसरे दिन अन्नपूर्णा का खजाना लुटाया गया, दिया गया, और कभी मौका मिले तो कुबेरेश्वर धाम पर, जिसका नाम कुबेर भंडारी है, कुबेरेश्वर सीहोर, कभी मौका मिले तो दीपावली के दूसरे दिन वहां से भी खजाना दिया जाता है। ये दोनों खजाने एक ऐसे खजाने हैं जिसको लाल वस्त्र के अंदर अपनी अलमारी में अगर रखा जाए, कंगाल से कंगाल व्यक्ति भी अपने दिन धनपति होता है। तो केवल एक ही दिन मिलता है, अन्नपूर्णा का खजाना काशी में, कुबेर भंडारी का खजाना दीपावली के दूसरे दिन सुबह। शिव तत्व की प्राप्ति, पार्वती मैं विश्वनाथ, विश्वनाथ मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला कोई मनुष्य अनाथ नहीं है। कई माताएं कह देती है मैं तो अकेली पड़ गई, नहीं,
कई बच्चे कह देते हैं गुरु जी हमारा कोई नहीं है, हम अकेले। कई जगह पर लिखा रहता है अनाथालय, कई जगह पर लिख देते हैं लोग अनाथालय, पर हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं अनाथालय लिखने की जगह लिखो कि विश्वनाथ का घर अनाथालय नहीं। यहां पर आप पालन कर रहे हो ना बच्चे, यहां बच्चे का पोषण कर रहे हो, पालन कर रहे हो, तो वह अनाथ कैसे हो सकता है? कि जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, सो दुख काहे ता पाए प्रभु, वो दुख काहे ता पाए प्रभु। जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, वो दुख काहे पाए प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु। जो जावे तेरे सत्संग में, जो जावे तेरे सत्संग में, वो दुख काहे को पाए प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु। जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु, वो दुख काहे को पाए। जो लेता तेरा नाम प्रभु, जो लेता तेरा नाम प्रभु, ओ दुख काहे को पाए प्रभु, वो दुख काहे को पाए। जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु, वो दुख काहे को पाए। जिसके सिर पर तेरा हाथ, जिसके सिर ऊपर पर तू बैठा है, जिसके मस्तक पर तेरा हाथ रखा हुआ है, वो दुख कैसे पा सकता है? ए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु जन, फ्रिज के अंदर मिठाई रख दो सड़ेगी क्या? फ्रिज के अंदर दूध रख दो सड़ेगा क्या? मलाई रख दो सड़ेगी? श्रीखंड रख दो सड़ेगा? सब्जी रखा सड़ेगा? नहीं। फ्रिज के अंदर रखा है तो नहीं सड़ेगा, फ्रिज के बाहर होगा तो इतनी तेज गर्मी पड़ रही है वो सड़ा। उसी तरह यीशु महापुराण का पंडाल नहीं है, ये फ्रिज है, इसके अंदर जो आकर बैठ जाता है वो संसार में सड़ता नहीं है। ये कथा का पंडाल नहीं, ये फ्रिज है, इस फ्रिज में जो आकर बैठ गया वो संसार में नहीं सड़ेगा, नहीं तो गर्मी बहुत पड़ रही है अहंकार की, गर्मी बहुत पड़ रही लोभ की, गर्मी बहुत पड़ रही वासना की, तृष्णा की, आसक्ति की, अहंता की, झूठ की, प्रपंच की, ये गर्मी पड़ रही है, ये गर्मी इस आत्मा को सड़ा देगी, इसलिए इस शरीर को, इस मन को शिव की कथा में जरूर ले, शंकर के पंडाल में जाकर बैठो। और मेरा निवेदन है जो 7 दिन से इस पंडाल के अंदर रात रात घर पड़े हुए हैं, भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, उनसे पूछना कि पंडाल में रहने का सुख क्या होता है, भगवान उनकी झोली खुशियों से भरता है कि नहीं भरता, वो पूछो। हमसे अगर कोई जजमान बात करता है और हमसे पूछता है कि गुरुजी सुमहापुराण का सबसे ज्यादा फल कब मिलता है, हम उनसे कहते हैं अपना धन, अपनी चेन, मंगलसूत्र, मोबाइल, पर्स सब घर छोड़ो, भले तुम 5-6 दिन अपने घर में रहो मना नहीं है, पर भले तुम यजमान हो, एक रात्रि तुम कथा के पंडाल में दरी बिछाकर सोकर देखो, उसका आनंद क्या होगा, उसका सब क्या होगा। श्रीमद् भागवत में तो लिखा हुआ है, भागवत के नियम में, कि दरी बिछाकर सोना चाहिए, एक समय फलाहार, एक समय भोजन करना चाहिए, फिर ऐसा करना चाहिए, श्रीमद् भागवत में बहुत सारे नियम बताए हैं, शिव महापुराण का कोई नियम नहीं है, शिव महापुराण का केवल एक नियम है कि जिस मन से, जिस भाव से, जिस दिल से आप शंकर के भक्त की सेवा कर सकते हो उस भाव से करो, और शिव महापुराण की कथा को पंडाल में रहकर एक रात्रि विश्राम कर, एक रात्रि विश्राम क्यों, शिव महापुराण की कथा करती है, काशी में एक रात्रि रुकोगे, सोमनाथ में एक रात्रि रुकोगे, महाकाल में एक रात्रि रुकोगे, ओंकारेश्वर में एक रात्रि रुकोगे, कभी तुम 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनना, उसमें वर्णन आता है कि प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में एक रात्रि जरूर रुकना चाहिए, और शिव महापुराण में लिखा विद्यार्थी जी ने अगर 12 ज्योतिर्लिंग में आप एक रात्रि नहीं रुक सकते तो शिव महापुराण के पंडाल में एक रात्रि रुकना चाहिए, एक रात्रि का विश्राम। इसलिए हम कहते हैं कथा का 6ठा दिन कौन सी रात्रि कहलाती है? शिवरात्रि। हम कहते हैं वो शिवरात्रि कहलाती है, एक रात्रि आप विश्राम कर शंकर को पाने का प्रयास करते, शिव को ढूंढ देते।
हमारे देवर ने महादेव को ढूंढने का प्रयास हुआ। पार्वती बच्चे कह देते हैं हमारा कोई नहीं है, माताएं कह देती है हमारा कोई नहीं है, पुरुष कह देते हैं हमारा कोई नहीं है, दुख की घड़ी आती है तब लोग कह देते हैं हमारा कोई नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है माता के गर्भ से जब जन्म लिया था ना, जुड़वा बच्चे भी होते हैं ना तो उसमें भी 2-5 मिनट का गैप हो जाता है। माँ के गर्भ से जब जन्म लिया था तो अकेले पैदा हुए थे, मरोगे तो भी अकेले जाओगे, इसलिए संसार में ये मत सोचना कि कौन अपना कौन पराया। जन्म शंकर जी कहते हैं मैंने दिया है, मृत्यु मैंने दी है, घर मैंने दिया, परिवार मैंने दिया, नाते रिश्ते मैंने दिए हैं, तो चिंता मत कर, अंत समय में तेरे दुख की घड़ी में सब छोड़कर चले जाए। शंकर जी कहते हैं विश्वनाथ कभी छोड़कर नहीं जाता, विश्वनाथ कभी छोड़कर नहीं जाता, शिव कभी नहीं छोड़ेंगे, शंकर कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकते। जो एक बार हाथ में जल पकड़कर महादेव को चढ़ा देता है उस हाथ को महादेव पकड़ लेते हैं, फिर छोड़ते नहीं है। तुम भले मंदिर जाओ मत जाओ, तो मंदिर जाना भी छोड़ दोगे ना तो विश्वनाथ तुम्हें नहीं छोड़ दो, वो नहीं छोड़ सकते। हिंग की डब्बी देखी है, अरे बोलो तो जमते, हिंग की डब्बी खाली हो जाए उसको धो दो, साफ कर दो 25 बार 50 बार साबुन से धो, सर्फ से धो, तुम्हारे पास में जो जो सामान हो सबसे धो लो, हिंग की डब्बी को रगड़ रगड़ के धो लो, पूरा साफ कर दो, सर्फ से धो लो, 1 महीना 2 महीना 5 महीना 10 महीने बाद फिर वो हिंग की डब्बी को निकालना, उसकी हिंग की डब्बी में हिंग की खुशबू आती ही है। उसी तरह एक बार अगर मेरे महादेव को जल चढ़ा दिया तो ये हाथ महादेव तुम्हारे मरते दम तक नहीं छोड़ता है, वो खुशबू आती ही है। हींग की डब्बी को भले तुम 50 बार धो लो तो भी हींग की खुशबू आती है। जिसने महादेव को जल चढ़ा दिया वो महादेव का हो गया, फिर वो महादेव उसको भटकने नहीं देते, उसको त्राण नहीं देते, दुख आएगा हमारे कर्म के अंदर, हम ये नहीं कहेंगे कि दुख नहीं आएगा। संसार में कोई ऐसा बाबा नहीं है, संसार में कोई ऐसा महाराज नहीं है, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे दुख को कम कर दे, कोई नहीं है। संसार में दुख काटने वाला तो केवल एक है, वो देवाधिदेव महादेव है। सीओर वाले महाराज में कोई सामर्थ्यता नहीं कि वो आपके दुख को काट दे, संसार का कोई बाबा कोई महाराज तुम्हारे दुख को नहीं काट सकता, क्योंकि ललाट का जो लिखा हुआ है पूर्व में जो तुम कर आए हो उसका भोग तो ये मनुष्य देह में तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, तुम्हारा कर्म तुम्हें भोगना। गुरु की करनी गुरु बढ़ेगा, चेला की करनी चेला, और जाएगा हंस अकेला, अपना अपना कर्म सबको भोग। पेट तुम्हारा दुखता है तो पेट हमारा दुखता है, पांव तुम्हारे दुखते हैं तो पांव हमारे दुखते हैं, बस अंतर इतना है कि तुम दवाई खाओगे तुम्हारा पेट बंद होगा, हम दवाई खाएंगे हमारा पेट बंद होगा। उसी तरह हमारे पूर्व के किए हुए कर्म कोई दूसरा नहीं काट सकता, हम शंकर भगवान पे जल चढ़ा चढ़ाकर उनकी आराधना करकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर कथा सुनकर अपने दुख को काट सकते हैं, अपने कर्म को काट सकते हैं। अपने दुख अपने को काटना है, कोई दूसरा नहीं काटेगा। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, सब अपने कर्म का भोग भोगेंगे। कबीरा बाबा तो कहते हैं कि गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस अकेला, सबको अपना कर्म भोगना है। इसलिए आपका दुख अलग है, संसार में हर व्यक्ति तुम्हारी अड़ोसन पड़ोसन घड़ोसन जितनी बैठी है ना सबसे पूछो सबका दुख अलग है। किसका पेट दुखे, किसी का पांव दुखे, किसी का हाथ दुखे, किसी को ये परेशानी, किसी को बहू, किसी की सास, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का आसमान, किसी की धरती, किसी की पत्नी, किसी का आकाश, सबका दुख है। संसार में ऐसा कोई मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ जिसको सुख नहीं, बस केवल तुलसी या संसार में भात भात के सब है, सबको दुख है, सबको कष्ट है, परंतु याद रखना दुख सबको है। वो दुख तुम्हारी पड़ोसन भी नहीं काट सकती, वो दुख तुम्हारी सास भी नहीं काट सकती, वो दुख तुम्हारी बहू भी नहीं काट सकती, अपना दुख अपने को काटना है। और वो दुख कटेगा कैसे? शंकर भगवान के नाम स्मरण से, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने से, शंकर की भक्ति करने से, शिव महापुराण की कथा सुनने से अपना दुख कटता। लोग कहते ना कथा में जाने से क्या फायदा होता, हम कहते तुम चलकर तो जाओ, द्रौपदी पैदल चलकर एक संत के दरवाजे पर पहुंचे, संत ने संकल्प लिया था 108 अश्वमेध यज्ञ का फल दोगे तो मैं तुम्हारे भोजन करूंगा। द्रौपदी ने जाकर कहा बाबा हमारे यहाँ भोजन करूंगा। संत ने कहा द्रौपदी तेरे पतियों ने तो एक बार भी 108 अश्वमेध यज्ञ नहीं करे, केवल एक यज्ञ करा तेरे पति ने, और तू कह रही है कि 108 अश्वमेध यज्ञ के लिए। द्रौपदी कहती है बाबा जितने कदम चलकर मैं मंदिर तक जाती हूँ, जितने कदम चलकर मैं शिवालय तक जाती हूँ, जितने कदम चलकर मैं सत्संग तक जाती हूँ, जितने कदम चलकर शिव महापुराण तक जाती हूँ, जितने कदम चलकर संत के दरवाजे तक जाते हैं उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपने जीवन के कर लेते हैं, इसलिए आप मेरे यहाँ भोजन कर लेते। कभी विचार करिए आप इतनी संख्या में आते हो, लाखों की संख्या में आते हो, और लाखों की संख्या में आते हो, ये आपके पत्रों का जो ढेर लगा पड़ा हुआ है हम निकालेंगे इन पत्रों का, आपको दर्शन कराएंगे, इतने पत्र प्रत्येक कथा में आते हैं, प्रत्येक कथा में ऐसी कोई कथा नहीं जिसमें पत्र नहीं आते, इन पत्रों को आप देखिए, और प्रत्येक कथा में ऐसे
प्रत्येक कथा के पत्र हैं जिनके कार्य होते हैं और लोग दिल से लिखकर भेजते हैं कि मेरे बाबा ने मेरी छोड़ी। इसमें मोबाइल नंबर भी होता है, एड्रेस भी होता है, कौन से गांव का है, क्या फोन नंबर है, क्या मोबाइल नंबर है, इन पत्रों में होता है। ये लाखों की भीड़, ये लाखों के भक्त शिव महापुराण में ऐसे ही नहीं आ जाते। बैठ कर जब वो बाबा से झोली पसार कर प्रार्थना करते हैं तो अगली कथा में उनका भी पत्र भर मिलता है। कालदर्शी है, कैलाशी है, वो समझ है, तो पहचानना उसको जानना बहुत कठिन है। मेरी कुरुत की जीजियों श्रीधर परिवार, श्रीमती कमला देवी, श्री रतन जी शर्मा, श्री प्रकाश जी शर्मा और श्रीधर परिवार इस कथा को करवाया है। इनका तो भाग्य प्रबल है जो ये कथा ये करवाए, पर उससे ज्यादा भाग्य आप सबका प्रबल है जो आप शिव महापुराण की कथा में। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मेरी हरी हो नदी अपने दे लगा लो गिरा जा रहा उठा लो भोले अपने दे से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो उठा लो कोई अनाथ वायलेंस में कोई अनाथ आप क्यों कहते हो कि मेरा कोई नहीं, आप छाती ठोक कर कहो मेरा बाप मेरा शंकर बैठा है, मेरा पिता मेरा शिव बैठा है। और जब मेरा पिता मेरा शंकर बैठा है तो मुझे क्या भयता है, क्यों भ्रमित हूं, क्यों भटक रहा, क्यों भटकूं, दुख कटेगा पर उसमें दुख काटने में सियोर वाला महाराज तुम्हारा दुख काटने नहीं, संसार का कोई महाराज तुम्हारा दुख काट नहीं सकता, अपना दुख अपने को काटना है, अपना भोजन अपने को करना है, अपना पानी अपने को पीना है, अपनी दवाई अपने को खाना है, तो अपना दुख अपने को काटना है। और वो दुख केवल भगवान के नाम के सिवाय, कलियुग केवल नाम और सुमर सुमर नर उतर ही, नाम के आधार पर दुख कट सकता है। आप जो भजन कर रहे हो, आप जो महापुराण की कथा सुन रहे हो, आप जो कीर्तन कर रहे हो, आप जो मंत्र जाप कर रहे हो, लाखों की संख्या में बैठकर एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब हम बोलते हैं लाखों की संख्या, पूरी पृथ्वी पर केवल एक द्रौपदी थी, पूरी पृथ्वी पर एक बार सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कह दिया था, सतभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी जी ये बताओ आखिर द्रौपदी का और कृष्ण का संबंध क्या है, ऐसा क्या संबंध कि द्रौपदी को दुख आता और कृष्ण दौड़कर चले जाते, द्रौपदी को तकलीफ आती और कृष्ण दौड़कर चले जाते, ये द्रौपदी और कृष्ण का संबंध क्या है। उस समय पर भगवान कृष्ण प्रकट होकर उन्होंने सतभामा जी से कहा, द्रौपदी मेरी बहन है, मेरे हाथ में चोट लगी थी तब उसने मुझे राखी बांधा, वो मेरी बहन है, वो मेरी बहन है। कृष्ण चले गए, फिर सतभामा बहुत प्रश्न चले, सतभामा जी ने फिर प्रश्न करा, रुक्मणी जी ये द्रौपदी को थोड़ी सी अकल नहीं है क्या, क्यों रजस्वला धर्म से 3 दिन का रजो धर्म था इसका, और इसने हमारे स्वामी को पुकार लिया, भगवान को बुलाया और भगवान ने जाकर इसका चिन्ह बढ़ा दिया। रजो धर्म में तो स्त्री मंदिर नहीं जाती, समान नहीं छूटी, और इसमें भगवान को पुकार लिया और भगवान जाकर उसका चीर बढ़ा दिया। समझ में नहीं आया मुझे तो, यह खेल समझ में नहीं आया मुझे, यह खेल समझ में नहीं आया। भगवान कृष्ण फिर प्रकट हुए, भगवान कृष्ण ने कहा, सुनो सतभामा, शुद्ध हो अशुद्ध हो किसी भी अवस्था में, स्वस्थ हो अस्वस्थ हो, घर में सो रहे हो कि पलंग पर सो रहे हो कि हॉस्पिटल में सो रहे हो, किस अवस्था में हो,
परमात्मा भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ये नहीं देखता कि आप शुद्ध हो कि अशुद्ध हो, मैं तो ये देखता हूँ कि आपने मुझे दिल से पुकारा है, पुकारा है तो मुझे जाना। चलो यहाँ इतनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं और इतने मेरे जीजा और मेरे बेटा बेटी मेरी माता भाई बैठी हैं और जितने आसपास चैनल पर कथा सुन रहे हैं वो भी सुन रहे हैं, मैं उनसे भी पूछूं और आपसे भी पूछूं, आपके बच्चे ने आप स्नान करके आए, आप नहाते आए और बच्चे ने गंदगी कर दी, खूब रो रहा गोदी में लोगी कि नहीं मिली, अरे बोलो तो चलते उसकी गंदगी साफ करोगी कि नहीं करोगी, कोई दूसरा आएगा साफ करने के लिए? बच्चा कितना भी रोते रहे कोई साफ करने के लिए आएगा? छोटा सा बच्चा तुम नहा के आई और छोटे से बच्चे ने अपनी गंदगी कर दी, उसने उसके कपड़े को बिगाड़ दिया, माई उसने कपड़ा उसको साफ करा और उसको कपड़ा दूसरा बदल दिया, कोई दूसरा नहीं, या तो माँ साफ करेगी या बाप साफ करेगा, पिता उसको संभाल लेगा, वो कहेगा तू जा तू अभी स्नान करके आई जब पूजन कर ले और फिर कर ले, नहीं मैं साफ कर लूंगी। छोटा सा बच्चा माँ की गोद में गंदगी कर दे, छोटा सा बच्चा माँ की गोद में सुसु कर दे, छोटा सा बच्चा माँ की गोद में उल्टी कर दे, वोमिटिंग कर दे, छोटा सा बच्चा माँ की गोद में कुछ भी करे, तो भी माँ को वो हक है कि वो मंदिर में जाकर दिया लगा सकती है और भगवान की पूजन कर सकती है। माँ को वो हक है, अपने बच्चे की गंदगी साफ करने वाली माँ मंदिर में जा सकती है, पूजन कर सकती है, आराधना कर सकती है। एक बार गंदगी करी तुम वापस नहाने जाओगे क्या? अरे बोलो तो जम के, फिर बच्चे ने गंदगी कर दी फिर नहाने जाओगे क्या? नहीं, बच्चा गंदा हो गया तो माता पिता ने उसके कपड़े साफ करे, माता पिता ने उसको संभाल लिया। उसी तरह भगवान कृष्ण कहते हैं अगर संसार का मनुष्य किसी भी अवस्था में अच्छी बुरी किसी भी अवस्था में मुझे पुकारता है तो भगवान कहते हैं मैं जगत का बाप हूँ, मेरा नाम जगन्नाथ है, मुझे जाना पड़ता है। जगत का बाप हूँ जगन्नाथ, मुझे जाना पड़ता है। जगत का बाप हूँ विश्वनाथ, मुझे जाना पड़ता है। जगत का बाप हूँ द्वारकानाथ, मुझे जाना पड़ता है। जगत का बाप हूँ बद्रीनाथ, मुझे जाना पड़ता है। जगत का बाप हूँ केदारनाथ, मुझे जाना पड़ता है। जगत का बाप हूँ सोमनाथ, मुझे जाना पड़ता है। मैं जगत का बाप हूँ, मेरा बच्चा जिस अवस्था में पुकारेगा मुझे जाना पड़ेगा, जिस अवस्था। आप जिस अवस्था में पुकारे सतभामा जी ने रुक्मणी से फिर किस तरह प्रश्न आखिर द्रौपदी में सकते एक बार मुझे द्रौपदी से मिलना। सतभामा जी जैसे ही बोले तो भगवान कृष्ण जा रहे थे, कृष्ण जाते जाते सतभामा जी ने पूछा स्वामी कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले द्रौपदी के घर। अब तो सतभामा को सतभामा जी रुक्मणी जी से बोली कुछ करो ना मुझे द्रौपदी को देखना। रुक्मणी जी ने कहा स्वामी आप अगर द्रौपदी दीदी के घर जा रहे हो तो हमको भी ले चलो। भगवान ने कहा चल। रुक्मणी सतभामा को ले गए। द्रौपदी बाल सुखा रही थी, पाटी पाट रही थी, कंगा कर रही थी, रोटी बना रही थी। इतने में द्वारकाधीश ने कह दिया द्रौपदी तुम्हारी दो दो भाभी आई हैं, तुम ननंद हो, तुम्हारे बाल तुम्हारी भाभी बना देंगे। इतने में रुक्मणी भी आगे बढ़ी बाल बनाने के लिए। सतभामा जी ने कोनी मारकर पीछे कहा तुम रुको आज अच्छे से इसका बाल बना, आज मैं अच्छे से बाल बना। सतभामा जी आगे बढ़ी, बाल बनाते बनाते सतभामा जी ने एक बाल को चमके खींच लिया। खींचते से जैसे बाल खींचा उसमें से आवाज आई हे कृष्ण। कौन सी आवाज आई? सतभामा जी को लगा द्रौपदी के केश में से आवाज। फिर खींचा फिर आवाज आई हे कृष्ण, फिर खींचा फिर आवाज आई हे कृष्ण। सतभामा जी रुक्मणी जी से बोली समझ में नहीं आ रहा। सतभामा जी बोली रुक्मणी जी से समझ में नहीं आ रहा, मैं बाल खींचती हूँ और उसमें से हे कृष्ण आवाज आती है। तब भगवान कृष्ण प्रकट होकर बोले सुनो सतभामा, पूरी पृथ्वी पर कोई संत कोई साधु कोई महात्मा कोई योगी कोई सन्यासी कोई तपस्वी इस संसार में जन्म नहीं लिया जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो, केवल एक द्रौपदी है जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया। मनुष्य के शरीर पर 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, एक एक शरीर का एक एक रोम गिना जाए तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मानव के शरीर पर हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य को केवल एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेने के लिए दिया है, पर मनुष्य खाने में भोग में विलास में इतना डूबा रहता है कि वो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम नहीं ले पाता। केवल संसार में एक द्रौपदी ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है, इसलिए मैं दौड़कर इसके पास आता हूं। केवल एक द्रौपदी है जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। सतभामा जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, हम भी आपका 3.5 करोड़ बार नाम नहीं ले पाते, हमारे लिए कोई आज्ञा करो कि हमको 3.5 करोड़ बार नाम का फल प्राप्त हो जाए, ऐसे कुछ कृपा कर दो। भगवान कृष्ण ने कहा द्रौपदी सतभामा उसका केवल एक साधन है। शंकर भगवान माता सती को कुंभज ऋषि की कथा सुनाने ले गए थे, मेरे भोले बाबा अमरनाथ की गुफा में पार्वती को कथा सुनाने ले गए थे। अगर 3.5 करोड़ बार मंत्र का जाप का नाम का फल पाना है तो किसी शिव महापुराण की पंडाल में जाकर बैठ जाओ, जितने भक्त नाम लेंगे उसका सारा पुण्य आप और हम लोग प्राप्त हो। 3.5 करोड़ बार आप इतने सारे भक्त मिलकर जब श्री शिवाय नमस्तु भ्यं कहते हो, ओम नमः शिवाय कहते हो, नमः शिवाय कहते हो, राम नाम बोलते हो, कृष्ण नाम बोलते हो, भगवान का नाम बोलते हो और भजन में ताली बजाते हो तो वो शब्द टूटता है। अब ये इतने लाख लोग 10 लाख 8 लाख लोग एक साथ अगर 10 लाख लोग एक बार में नाम बोलेंगे तो 10 लाख नाम तो हो गए, और 10 लाख लोगों ने 5 बार नाम बोला तो 50 लाख हो गए, और 50 लाख लोगों ने ताली बजाकर मंत्र का जाप करा तो वो शब्द टूटा, टूटने के बाद 3.5 करोड़ में समाहित हो गया।
3.5 करोड़ रोम क्षेत्र में समाई पता है। लोग पूछते हैं कि शिव महापुराण की कथा में जाने से हमारा काम क्यों हो जाता है। शंकर जी की कथा में पहुंचे हमारी बीमारी कम हो गई, शंकर जी की कथा में पहुंचे हमारा धन सही हो गया, शंकर जी की कथा में पहुंचे हमारी पीठ सही हो गई, शंकर जी की कथा में पहुंचे हमारी बहू का बेटा हो गया, शंकर जी की कथा में पहुंचे हमारी बीमारियां ठीक हो गई। उसका कारण क्या होता है? उसका केवल एक कारण है कि शंकर की कथा में ये 3.5 करोड़ रोम क्षेत्र का शरीर भगवान के मंत्र जाप में डूबता है। जैसे तालाब में नहाओगे तो पूरे कपड़े भी गीले होंगे और शरीर भी गीला होगा, बाल भी गीले होंगे, उसी तरह शिव महापुराण की कथा में जाओगे तो ये पूरा शरीर भगवान की भक्ति में गीला हो जाता है और हमारा दुख समाप्त हो जाता है। 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही है, उस श्वास में शंकर का नाम नाम लो। ये जितनी माताएं आई ना आपने से लिख के रख लेना, कई माताओं के पत्र अमलेश्वर महादेव अमलेश्वर की कथा में हम खुद पढ़कर सुनाएंगे कि आपके पत्र है, आपके पत्र है। अगर दिल से कथा सुनिए और विश्वास के साथ सुनिए, भरोसा करकर सुनिए कि मुझे मेरे बाबा से मतलब है, मेरा बाबा मेरा काम करेगा, मतलब भरोसा पक्का है, मेरा भरोसा टूटने वाला नहीं। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा मैं तेरे भरोसे भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके आश्रित हो गए, जब हम उसके आश्रित हो गए तो हमें समझ आता, हम आश्रित हुए ही नहीं तो संभालेगा। चलो एक प्रैक्टिकल कर, तुम्हारे छोटे बच्चे को इस टेबल पे चढ़ा दो, उस टेबल पे चढ़ा दो और बच्चे से कूद जा, कूदेगा कि नहीं कूदेगा? कूदेगा ना, क्यों कूदेगा? क्योंकि उसको मालूम मेरी मम्मी खड़ी है, उस बच्चे को मालूम है मेरा पापा खड़ा है, उस बच्चे को मालूम है मेरी आंटी खड़ी है, मेरा अंकल खड़ा है, मेरा मामा, मेरा फूफा, मेरी बुआ मेरे पास खड़ी है। उस बच्चे को मालूम है कि मुझे संभालने वाला कोई खड़ा है, तो बच्चा ऊपर से कूद जाता है, बच्चे को ऊपर फेंको, नीचे आता है तो रोता है कि खुश होता है, खुश होता है, ऊपर जाता है नीचे आता है खुश होता है। उसको मालूम है मेरी मम्मी संभालने वाली बैठी है, मेरा पापा संभालने वाला बैठा है, मेरा भाई संभालने वाला बैठा है, मेरा गुरु मुझे संभालने वाला बैठा है, उसको लगा। उसी तरह बस वही तरह उसी तरह वही तरीका समर्पण वही वही तरीका संभालने वाला मेरा विश्वनाथ बेटा है, संभालने वाला मेरा शंभू बेटा है, संभालने वाला मेरा शंकर बेटा है, संभालने वाला मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी बेटा है। जैसे बच्चा ऊपर से नीचे कूदता है, मेरा माँ बेटी मेरा पिता बेटा है, उसी तरह हमें पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ, पूरी आशा के साथ हमें ये सोच लेना चाहिए, जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, सो दुख आएगा होवे प्रभु, सो दुख आएगा। आप भी बोलो जरा एक बार, सब बोलिए, जिसके सिर तेरा हाथ सो दुख आएगा होवे प्रभु, हो दुख आएगा प्रभु। अब क्यों दुख हो? संभालने वाला वो देखा, वो समान। और मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मोबाइल है आप लोगों के पास में? आई के लिए रखी हो कथा में मोबाइल का क्या कर? मेरे भाइयों के पास मोबाइल है? अरे बोलो तो जम के, कथा में क्या जरूरत है मोबाइल की? अरे महाराज कथा में मोबाइल की जरूरत नहीं है, जरूरत तो जब हम जाते हैं ना गाड़ी के लिए जरूरत पड़ती है। मतलब मोबाइल की जरूरत कब पड़ रही है? कथा में जरूरत नहीं है, जब हम बाहर निकलेंगे फोन लगाएंगे, कहाँ खड़ी है गाड़ी, देख नहीं रही कौन से गेट पे, 2 नंबर 1 नंबर 4 नंबर कहाँ हो? जब हमें तकलीफ आती है तब मोबाइल की याद आता, कब तो हम याद कर रहे हैं। मोबाइल अपने पास क्यों रखा? कि दुख की घड़ी में
तुरंत फोन लगा दूंगी, गाड़ी आ जाएगी, दुख की घड़ी में तुरंत फोन लगाऊंगा, कोई आ जाएगा मोबाइल। ये जितनी माता यहाँ बैठी है, भाई लोग बैठे हैं, अपने झोले में एक जोड़ कपड़ा लेकर आना, कपड़ा लाने की जरूरत क्या? अरे गुरु जी, जब एक जोड़ कपड़ा तो लेकर चलना पड़ता है, अगर खराब हो जाए तो दूसरा पहन लो। तकलीफ के समय पर वो कपड़ा काम आ जाएगा, तकलीफ के समय पर कमल काम आ जाएगा, तकलीफ के समय पर दरी काम आ जाएगी, तकलीफ के समय पर मोबाइल काम आ जाएगा, तकलीफ के समय पर तुम्हारे बैठने का आसन काम आ जाएगा, उसी तरह तुम्हारे दुख के समय पर तुमने जो एक लोटा जल चढ़ाया है वो काम आएगा, रिहाई आएगी निश्चित, वो काम आएगा। एसी का रिमोट अपने हाथ में रखो तो एसी बंद कर सकते हो, टीवी का रिमोट अपने हाथ में रखो तो टीवी बंद कर सकते हो, गाड़ी का रिमोट अपने हाथ में रखो तो गाड़ी बंद कर सकते हो, उसी तरह एक लोटा जल अपने हाथ में रखो तो अपने दुख का अंत कर सकते हो। अपने दुख का अंत करना है तो एक लोटा जल अपने हाथ में रखना पड़ेगा, अपने साथ में रखना पड़ेगा। एक लोटा जल जब भी घर से निकलो तो शंकर को चढ़ाकर निकलो, कहीं जा रहे आशय को समर्पित कर, सारी समस्या का हल। जम के बोले जरा, सारी समस्या का हल। बोल बम का नारा है, ये शिव तत्व की बात है। एक लोटा जल अपने साथ, जब जब मेरे शिव की भक्ति, दिल से जब हम रिझाएं तो मेरा महादेव मिलने में देरी नहीं करता, मिलता जल्द। और कबू चुके ना कोई तेरा काम रे भजले गौरावती, भजले गौरापति को भजले गौरापति को कोई तेरा काम रे भजले गौरापति। गौरापति को मेरे रघुवर भी भजते जीत लिया लंका का नाम रे वो भजले गौरापति को, जीत लिया लंका का नाम रे वो भजले गौरापति को। Yeah.
शंभू राधे गौरापति को मेरे कानाद भजते 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 ओ गाना भी भजते बारा भी भजते ओ गाना भी भजते बारा भी भजते गौरापति को मेरे कानाद भजते गौरापति को मेरे कानाद भजते मिल गया ओ मिल गया मिल गया हाँ मिल गया मिल गया द्वारिका धाम रे भजल गौरापति को मिल गया द्वारिका धाम रे भजल गौरापति को मिल गया द्वारिका धाम रे भजल गौरापति को मिल गया द्वारिका धाम रे भजल गौरापति ओ गौरापति को भजल गौरापति को 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 कबू चुके ना कोई तेरा काम रे भजल गौरापति कबू चुके ना कोई तेरा काम रे भजल गौरापति भजल गौरापति 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 कबू चुके ना कोई तेरा काम रे भजल गौरापति को गौरापति को मेरे नारायण भजते 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 अरे मिल गया अजी मिल गया अरे मिल गया अजी मिल गया अरे मिल गया पे कुंड राज रे भजल गौरापति को या पे कुंड राज रे भजल गौरापति को भजल गौरापति को भजल गौरापति भजल गौरापति भजल गौरापति अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना जहां जगह मिले आज कथा का विराम दिवस है भाव से कहोगे तो भाव से भगवान शिव स्मरण करेंगे। कहते हैं मेहमान जाते हैं तो जाते जाते घर के बच्चों को 150 रुपए देकर जाते हैं। उसी तरह सुमहापुराण की कथा आज विराम लेती है तो मेरे महादेव भी आपको कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर से अपने मन की बात अवश्य आप और हम सब साथ में बोलेंगे दिल से प्रार्थना। श्री नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख दारो हमारा ओ भोला सब दुख दारो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख दारो हमारा ओ भोला सब दुख दारो हमारा देश है मंगलकारी देश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा
शमशान वासी हमारा ओ सब दुख काटो ओ सब दुख काटो। भगवान जगत महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिवजी माता पार्वती जी को काशी का भ्रमण करा रहे हैं। संसार में कोई अनाथ नहीं, सबकी रक्षा करने वाला विश्व नाथ बैठा है, तो फिर क्या चिंता, फिर क्या टेंशन। आप जितना भगवान की ओर आसक्त हो उतना उतना भगवान की कृपा करता है। आपको मालूम है रुक्मणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ क्यों हुआ? कारण क्या था रुक्मणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ? उसका केवल एक कारण, रुक्मणी जी ने अपने पिता राजा भीष्म के पास बैठकर जो भी आता था उससे सत्संग श्रवण किया, भगवान कृष्ण के बारे में सुना, भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण किया, भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा कर। अब भगवान कृष्ण के बारे में दिन रात चर्चा करते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, तो रुक्मणी जी के हृदय में यह भाव पैदा हो गया कि मुझे कृष्ण को अपना बनाना है और मुझे कृष्ण का हो। रामचरितमानस में भी प्रसंग आता है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, सत्संग करिए। जब हम प्रथम भक्ति का और स्मरण करेंगे तो उसमें हम जब सत्संग करेंगे, सुनेंगे, भगवान की कथा को धारण करेंगे, श्रवण करेंगे, बोलेंगे, भगवान की कथा सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे, तो भगवान शंकर की कृपा एक दिन होगी और हमारे दुख काटने के लिए हमारा महादेव हमारे करीब में जरूर। और केवल दुख काटने के लिए नहीं, अविरल भक्ति अगर कोई दे सकता है तो वो देवाधिदेव महादेव ही दे सकते। तुलसीदास जी लिखते हैं जिन्होंने शंकर जी की आराधना नहीं करी उनको राम कभी नहीं मिल सकता। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि जिन्होंने कृष्ण की आराधना, भगवान शंकर की आराधना नहीं करी उनको कृष्ण मिल नहीं सकता, जिसने शिव की आराधना नहीं करी उसको नारायण मिल नहीं सकता। यीशु महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की हम जितनी जितनी आराधना करते जाते हैं उतना राम और कृष्ण की अविरल भक्ति हमको प्राप्त होती चली जाती है, राम और कृष्ण हमको हमारे करीब में मिलते चले करीब। हाँ बात रही संसार की, तो शिव महापुराण की कहती है ये संसार सागर में तो आप दुनिया के लिए कितना भी कर लो फिर भी कोई यश गाने वाला नहीं होगा, कोई आपका यश नहीं गाएगा। कौन गाएगा? आप मरे आपकी नेम प्लेट गायब, बेटों की लगे, बेटों के बारे में पोते की लगे, पड़पोते की लगे, पर यदि हमने भरोसा किया एकत्र मैं ओम प्रकाश साहू, पत्नी पुष्पलता साहू नवापारा अभनपुर के पास दादर झोरी, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। मैं ओम प्रकाश साहू, पत्नी पुष्पलता साहू नवापारा अभनपुर के पास दादर झोरी से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। हमारी शादी को 9 वर्ष बीत गए, संतान का कोई सुख नहीं था, तब आपकी कथा पहली बार श्रवण करी और कथा को श्रवण करने के बाद में हमने शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ कर, थोड़ा रिटर्न बढ़ और प्लेन करो रिटर्न को थोड़ा सा, शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और शंकर जी के मंदिर में जाते सफेद आंकड़े की जड़ का हमने प्रयोग करा, आंकड़े की जड़ को बांधे हुए हमें 6 महीना बीत गए पर संतान का सुख नहीं। कुछ समय के बाद हमने फिर से सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा, दोबारा से मंदिर जाना चालू किया, फिर भी हमारा गर्व नहीं फैला। तब हमने मंदिर में जाकर मंदिर की सफाई करना प्रारंभ कर दिया और मंदिर की सफाई करते शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा करते, तब भाटापारा में राजनंद गांव के आगे भाटापारा में आपकी कथा का स्मरण हुआ, फिर हम दोनों ने वहां पर कथा का स्मरण किया और पशुपति नाथ का व्रत हमने उसी समय पर चालू कर दिया। सीहोर के लिए रुद्राक्ष लेने पहुंचे, वहां से रुद्राक्ष लाए, उसका जल पिया,
हम सीहोर होकर आए, उसके 3 महीने के बाद में हमारा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से जो 9 साल तक संतान नहीं था 11/4/2023 को बाबा ने बच्चे को हमारी गोदी में दिया। हम बाबा को धन्यवाद देते हैं, मेरा गर्भ ठहरा और संतान की प्राप्ति, जिसके फोटो मैं इस पत्र में लगा रहा हूं। अगर कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती हैं, पत्र में फोटो लगाए गए हैं जो आप एलईडी पर और आस्था चैनल पर देख रहे हैं। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कर, शंकर और घड़ी की प्राप्ति इसी को कर। एक पत्र और देख, लक्ष्मी साहू, पति श्री टिकेश्वर प्रसाद साहू, मैं ग्राम कुरुद जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ, हाथ हिला देगा। श्री शिवाय नमस्ते। बच्चा आया है क्या साथ में? बच्चे लाए, आ जाइए ले आओ। मैं लक्ष्मी साहू, पति श्री टिकेश्वर प्रसाद साहू, ग्राम कुरुद जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर लिया है, प्ले नहीं हो रहा है, गला पकड़ रहा है। सन 2022 में मेरे बच्चेदानी में 2 कठान हो गई थी, जिसका इलाज 1 साल तक चलता रहा, फिर भी वो ठीक नहीं हुई। डॉक्टरों ने भी बोल दिया कि आपका गर्भ नहीं ठहरेगा। दूसरी बार फिर इलाज प्रारंभ किया गया, पर वो कठान जैसी की जैसी रही। डॉक्टरों ने कहा तुम्हारा गर्भ नहीं ठहर सकता, क्योंकि गर्भाशय में 2 कठाने हैं और नस चोक, जिसके कारण तुम्हारा गर्भ नहीं ठहरे। तब हमें करते क्या, पहली बार आपकी कथा YouTube पर श्रवण करी और जनवरी 2023 में गुड़ियारी रायपुर में आपकी कथा सुनने के लिए हम दोनों पति पत्नी पहुंच गए। गुड़ियारी रायपुर में बैठकर हमने कथा सुनी, वहां की जमीन की रज को हमने अपने गर्भाशय में लगाया और गर्भाशय में लगाने के बाद में वहां से प्रणाम कर पशुपतिनाथ का व्रत चालू कर दिया। पशुपति व्रत करते शिव जी के मंदिर में जाते, नंदी के पास बैठकर एक बेलपत्र खाते, बेलपत्र खाते और बाबा से प्रणाम कर कहते, बाबा मेरे गर्भाशय में 2 कठान हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, कई साल हो गए बाबा, कृपा कर दीजिए। तब बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 2 महीने के बाद हमने जांच कराई तो गर्भाशय की 2 गठान निकल चुकी थी और हमारा गर्भ ठहर चुका था। और बाबा की कृपा से 2/1/2024 को बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि हमारे घर में बच्चे ने जन्म लिया है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। ये शिव तत्व है, योग घड़ी है, ये शंकर, ये प्रकार दर्शन शंकर। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदे मारे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो उठा लो। शिव कथा कर रही है भगवान शंकर, ओघरदानी का संवाद, एक समर्पण मूल हो, एक विश्वास मूल हो, एक दृढ़ता मूल हो। तुम सोचो कि हम किसी को मोबाइल दिला दिया तो वो हमारी सुनेगा, तुम सोचो कि हमने किसी को मकान दिला दिया तो वो हमारी सोचेगा, तुम सोचो कि हमने किसी को बहुत सारा धन दे दिया तो वो हमारी सोचेगा, हमारे लिए विचार करेगा नहीं। पक्षी को अपने घर में कितना भी पाल, पक्षी उड़ेगा ना तो तुम्हारी छत पर नहीं बैठेगा, वो दूसरे छत पर ही बैठेगा। पक्षी को तुम कितना भी दाना दे लो, पक्षी को तुम कितना भी पाल लो, पक्षी को तुम कितना भी लाड़ लड़ा लो, पक्षी हमेशा दूसरे की छत पर जाकर ही बैठता है। उसी तरह तुम कितना भी किसी के लिए कर लो, जब तुम्हारा बुरा वक्त आएगा ना तब कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, केवल एक देवाधिदेव महादेव तुम्हारा साथ देगा, उसके सिवाय कोई तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं। अनंत समय भुआना वचन दिया तुम्हें माना पड़ेगा, आए आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तुम्हें माना पड़ेगा। कौन सा पक्षी को दाना खिला लो, पक्षी दूसरे की छत पर ही जाकर बैठेगा, दूसरे की छत। आप किसके लिए कितना भी करो, किसी के लिए आप जान निकाल कर रख दो तो भी वो तुम्हारा नहीं हो सकता। कब तक अच्छा लगेगा, जब तक तुम देते रहोगे? जिस दिन तुमने देना बंद करा उस दिन तुम बुरे हो जाओगे। ये दुनिया के लोग
तुम्हारी अच्छाई नहीं देखते, दुनिया के लोग तुम्हारी बुराई देखने के लिए बैठे हैं। अच्छाई देखने के लिए कोई नहीं बैठेगा, दुनिया के लोग तुम्हारी बुराई देखने के लिए बैठते हैं। तुमने क्या अच्छा करा उससे कोई मतलब नहीं है, तुमने क्या करा संसार के लिए उससे कोई मतलब नहीं है, तुमने दुनिया के लिए क्या करा उससे मतलब नहीं है। पर तुमने कुछ जरा सा भी गड़बड़ कर दिया, तुमने जरा सा भी कुछ अपशब्द कर दिया, तुमने जो जरा सा भी कुछ गड़बड़ किया, पर दुनिया के लोग उसका पीछा पकड़ कर, ये दुनिया है, इसका नाम ही दुनिया। दुनिया का मतलब है दो मुंह के लोग, दुगनिया। दुनिया का मतलब है दो मुंह के लोग, दो तरह के लोग, दो विचार के लोग, दो सोच के लोग। वो हमारे यहाँ कथा आती है श्रीमद् भागवत कथा में, वो तानपान की कितनी धर्म पत्नियां थी, दो, एक सुनीति एक सुरुचि। लोगों ने पूछा गुरुजी तानपान की दो पत्नी थी, हमने कहा तुम्हारी भी तो दो ही है। कहा गुरुजी कैसी बात करते हो, वो तानपान की दो पत्नियां थी, हमारी दो कहां है। हमने कहा तानपान की दो पत्नियां नहीं है, हमारी दो आकांक्षाएं, हमारी दो इच्छाएं, हमारे दो मन है। हर व्यक्ति की दो पत्नियां, प्रत्येक संसार का मनुष्य जितना जन्म लेता है उसकी दो इच्छा चलती, दो आकांक्षा चलती। कथा में आएगा तो दो इच्छा से आएगा, एक घर से निकला आज लाल कलर की साड़ी पहनू कि नीली पहनू, दो इच्छा होगी। अलमारी खोली तो दो इच्छा होगी, ये पहनू कि ये। ये गर्भाशय में दो गठान थी और डॉक्टर ने मना कर दिया था संतान के लिए, ये देवाधिदेव महादेव की कृपा से पशुपति व्रत और शिव के मंदिर में जो झाड़ू पोछा करा सेवा करा। अब देव किसी को भी दुनिया आया, कितना भी कर लो किसी से कोई साथ नहीं मिलना, कोई और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया को निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब तकलीफ, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। आप किसके आश्रित होकर चलते, किसके आश्रित? तानपान की दो धर्म पत्नियां सुनीति सुरुचि। लोग कहते हैं हमारी है कि हमने कहते दो दो मन दो चित्त दो वृत्ति दो इच्छा आकांक्षा, दो एक मन कर रहा है कथा में जाना है, दूसरा मन कह रहा है बहुत भीड़ भड़ गई है हो गए, तो मन एक मन कर रहा है कथा में जाना है, दूसरा कह रहा है बहुत गर्मी पड़ रही है, एक मन कर रहा है कथा में आ भी गई तो इधर बैठूं कि उधर बैठूं, दो मन है, इधर बैठ जाऊंगी महाराज अच्छे से दिख जाएंगे, उधर बैठ जाऊंगी तो ये संगीत वाले बीच में इनकी खोपड़ी आ रहा है। दो मन फिर अब भोजन करने बैठे फिर दो मन, भोजन करते समय भी दो मन, रोटी का टुकड़ा तोड़ा, दाल भी रखी थी, गिलकी की सब्जी भी रखी थी, लौकी की सब्जी भी रखी थी, टुकड़ा तोड़ते से मन कर रहा पहले इससे खाऊं, दो मन, कपड़ा पहनते समय दो मन है, भोजन करते समय दो मन है, कहीं जाते समय दो मन है, किसी से बात करते समय दो मन है, किसी से मिल रहे हैं तो दो मन है। ये केवल उत्तान पात की दो धर्म पत्नियां नहीं, प्रत्येक जीव की दो इच्छाएं दो मन चलते, और एक पत्नी उत्तान पात की सुनीति थी जिसके गर्भ से ध्रुव जी ने जन्म लिया था, और दूसरी पत्नी थी सुरुचि जिसे उत्तम ने जन्म लिया था। दो मन में से एक मन हमें भटका देता है और दूसरा मन हमें परमात्मा की ओर लेकर जाता, एक मन भटका रहा, एक मन अच्छी जगह ले जा रहा है और एक मन बुरी जगह ले जा रहा है। ये जो क्या बोलते हैं इनको पीने वाले, उनको क्या बोलते हैं देसी भाषा में बेवड़ा, ये जितने पीने वाले होते हैं ना इनको देसी भाषा में लोग कहते हैं पिया हुआ है, और बहुत कसम खा लेते हैं, कसम मेरे बच्चे मेरे को प्रिय है, मेरी पत्नी मुझे प्रिय है, मेरा परिवार मुझे प्रिय है, कल से हाथ नहीं लगाऊंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा, चार पांच शाम की छह सात साढ़े सात
चला गया। फिर भी करा लगा। किसी ने पूछा क्यों पी? बहुत गम था, आज मेरा दिल दुख रहा था इसलिए पी ली। अच्छा, अब एक बार इसके घर में बहुत खुशियां आ गई, शादी आ गया, ब्याह आ गया। फिर किसी ने पूछा क्यों पी? आज मेरा दिल बड़ा खुश था। शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत खुशी अगर घर में है ना तो मदिरा मत पियो, बहुत खुशी में शिव नाम और राम नाम पियो। बहुत दुख है ना, बहुत दुखी हो गए ना, बहुत तकलीफ में हो गए ना, मदिरा मत पियो, मैं खाने मत जाओ, मदिरा की दुकान पर मत जाओ, बहुत दुखी होना तो शंकर के दरवाजे पर चले जाओ, शिव के पास मत जाओ। हम आपसे पूछेंगे, एक उत्तर दोगी मेरी जीजियों? जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है, बहुत कर्जे में डूब जाता है, बहुत तकलीफ में आ जाता है, बहुत तकलीफ में आ जाता है, तो घर में जितना सोना होता है, चैन पाटली चूड़ी चांदी का सामान, घर का जो व्यक्ति होता है वो सारा सोने चांदी का सामान किसके यहाँ लेकर जाता है? जम के बोलो, सुनार। सुनार ने पूछा, भैया ये भाभी के तड़े क्यों आए? दुख की घड़ी चल रही है, बहुत टेंशन चल रहा है। सुनार कहेगा, भैया ये भाभी का हार क्यों लिया है? दुख की घड़ी चल रही है, तकलीफ चल रही है, इसलिए सुनार के यहाँ पर सोना लेकर चल। जब कर्जा हो जाता है, दुख आता है, तकलीफ बढ़ जाती है, तो घर का सोना सुनार के पास लेकर जाते हो, उसी तरह जब दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, कष्ट आ जाए, बीमारी आ जाए, याद रखना जैसे दुख की घड़ी में घर का सोना सुनार के यहाँ ले जाते हो, सुनार के यहाँ सोना मत ले जाओ, दुख की घड़ी में तुम महादेव के पास चले जाओ, दुख की घड़ी में तुम महादेव के पास जाओ। एक बार सुनार भी तुमसे कहता है, सोना चांदी वाला भी कहता है, भाभी का कड़ा क्यों लिया है, भाभी का हार क्यों लिया है, बड़ी मुश्किल से बनवाया था रे, ले जा वापस ले जा। सुनार एक बार तो समझाता जरूर है कि इसको ले जाओ, मत बेच, बेच क्यों बेच रहा है, ले जा थोड़ा समय और निकाल ले, निकले समझाता है। दुख की घड़ी आए तो मेरे महादेव के चरणों में, मेरे शिव के चरणों में, फिर निवेदन करूंगा इस महापुराण के माध्यम से, बहुत ज्यादा यदि दुख आ जाए बहुत, तो तुम्हारे नजदीक में कहीं शिव महापुराण की कथा हो ना, और मेरा कुबेर भंडारी आया हुआ हो, तो एक बार पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा 5-7 दिन की शुरू। घर से चलो, एक छाता, दो पानी की बोतल, बिछाने की दरी, ओढ़ने का कम्बल, साथ में डब्बे में थोड़ा सा चिवड़ा बना लो, परमल रख लो, या रोटी बनाकर दो एक दिन की, उसमें ठेसा वगैरह जो भी हो, चटनी वगैरह लेकर चलो, अपना खा लिया सो जाए। इस पंडाल में एक माता इसी बैठी है, उम्र है लगभग लगभग 78 साल की। उसका पत्र हम लेकर नहीं आए, जहां हम फेरे हैं वहां रखा है, 78 बढ़ चुकी है। घर से चली, बिछाने का लेकर, ओढ़ने का लेकर, सब साधन लेकर, जिस पंडाल में जाती है, उस पंडाल में ये उसकी लगभग लगभग 8वीं या 7वीं कथा है। जिस पंडाल में जाती है, उस दरी पर जिससे बैठती है, उस दरी पर से वाशरूम के लिए या सोच करने के लिए भी नहीं जाती, 7 दिन अपनी इंद्रियों पर इतना कंट्रोल कर लेती है कि 7 दिन एक जगह पर अपना लाया खाती है, अपना लाया पीती है, और किसी से मांगती भी नहीं और कहीं जाती है। अपना लाया रोटी लेकर चलती है साथ में, वो रोटी खुद ही खाती है, किसी से मांगा नहीं, अपना सोया। और एक आप और अपन देने की मन में नहीं सोचते, कोई पानी का पाउच देने आया, घर से चली थी 5 पानी के पाउच अपने को लेकर चलना था कि मेरी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन को दूंगी, बाटल पानी के अपने साथ लेकर चलूंगी, अपनी पड़ोसन को दूंगी, बिस्कुट का पैकेट लेकर चलूंगा, दूसरे को दूंगा, और जिन जिन ने यहाँ पर इस पंडाल के अंदर जिसने खिलाया एक बिस्कुट का पैकेट का एक टुकड़ा भी, एक पानी की बोतल भी किसी को पिलाई है, एक इतनी बड़ी डायरी में लिखकर रखना, हम 3 महीने की गारंटी नहीं ले रहे, हम तो ये अमलेश्वर की कथा की गारंटी ले रहे हैं, 4 दिन बाद फिर मिलेंगे, और बताना कि 50 रुपए खर्च करे थे तो 50 के टुकड़े चौकने हुए, छत्तीसगढ़ छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, यहीं पे है तुम्हारे पास में, कि तुमने 10 रुपए का किसी को खिलाया तो उसका फल मिला कि नहीं, तुमने 20 रुपए का किसी को खिलाया तो उसका फल मिला कि नहीं, और वो भी ध्यान रख लेना जिनकी अखबार वालों ने छापी थी, जिनने ज्यादा मात्रा में दिया है वो भी तैयारी रख ले, वो भी तैयारी रख ले, जिसने 1 के 10 कर वो भी तैयारी रख ले, तुम भी एक ना एक कथा में मिलोगे, आंख में सांस उधर ढलका, बाबा क्षमा कर, ज्यादा कमाने के चक्कर में हमने शंकर के भक्तों से खूब लूट लिया, बाबा क्षमा कर, वो भी तैयारी रख, दोनों मिलेंगे कलकत्ता में, कहा था आकाश में मिलेंगे, आकाश में नहीं, अमलेश्वर में मिलेंगे।
और फिर देखेंगे तेरा क्या होगा रे कालिया। नौ वर्ष तक संतान नहीं हुई और देवर्षि महादेव की कृपा से नौ वर्ष के बाद संतान हुई। एक बार जोर लगा लगा भरोसे के साथ चला। ये भगवान शंकर के नाम की जो यात्रा है ना, ये यात्रा साधारण नहीं, ये यात्रा श्रेष्ठ। आप इसको सहज मत समझना, साधारण मत समझना। शंकर की कथा को लोग बहुत हंसी खेल में ले लेते हैं। बिल्कुल सरल है, एकदम सरल, एकदम सहज है, कर लो। पर उसको समझना, उसको जानना बहुत कठिन है। शंकर भगवान को तो अच्छे अच्छे संत साधु गुरुजन भी नहीं जान पाए। स्वयं द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से कहते हैं कि मैं शंकर की अविरल भक्ति को जान नहीं पाता। राम स्वयं कहते हैं माता जानकी से कि जानकी अवध से चले थे और लंका तक के बीच में रोज प्रतिदिन मैं शिवलिंग का निर्माण करूंगा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूंगा। जानकी जी ने पूछा कि शिवलिंग में ऐसा क्या है। राम जी सीता जी से कहते हैं शिवलिंग को जान नहीं पाया, आज तक भी नहीं समझ पाया, पर इतना जरूर जानता हूं कि शिवलिंग का मात्र स्मरण हमारी चित्त वृत्ति को सुख प्रदान कर देता है, हमें आनंद की अनुभूति करा देता है। केवल और इसीलिए हमने बात पहले भी आप लोगों से कहा, फिर कहते हैं कि शिव नाम होठों पे अरे चढ़ गया रे तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन।